नमस्कार आप सभी को। आज हम बनाएंगे कढ़ी, जिसके लिए लिए मैंने लस्सी और 4 छोटे चम्मच इसमें बेसन डाला है और 2 गिलास मैंने लस्सी लिए है, 2 ही गिलास इसमें पानी डाला है और इस बेसन और लस्सी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। को रखेंगे साइड। अब हम लेंगे कढ़ाई, गैस करेंगे ऑन और कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल यहाँ पे सरसों का यूज किया मैंने, आप भी सरसों के ही तेल में बना के तैयार कीजिएगा। इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम पकौड़ों के लिए बैटर बना के तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी लिया बेसन, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर बन के तैयार है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया और हम अब लगाएंगे तड़का, जिसके लिए मैंने लिया मेथी दाना, 2 चुटकी हींग, 1/2 छोटा चम्मच राई, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 4 से 5 कड़ी पत्ते और 1 प्याज को लंबा लंबा कट करके डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। उसमें डालेंगे घर के बेसिक मसाले, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और 1 कटोरी मैंने मेथी काट के लिया है, एक फ्रेश मेथी है, इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम सालों में। और फिर हम डालेंगे जो हमने लस्सी और बेसन का घोल बना के तैयार किया था वो डालेंगे। और इसको चलाते हुए एक उबाल आने तक हम चलाते रहेंगे। जब तक उबाल आएगा तब तक हम साइड में तेल भी गर्म होने के लिए रख देंगे पकौड़ों के लिए। और ये हमारी कढ़ी में उबाल आ गया है और हम बनाएंगे पकौड़े कढ़ी के लिए। देखिए फ्रेंड कितने फूले फूले पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। और पकौड़े हम निकालेंगे और सीधे कढ़ी में डालेंगे। ऐसे ही हम सभी पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। और आप बेसन को 10 या 15 मिनट के लिए अगर रेस्ट कराते हो बैटर को, तो आपके पकौड़े ऐसे ही फूले फूले बन के तैयार होते हैं और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बस पकौड़े जैसे ही बने निकालें और सीधा कढ़ी में डालें। अब हम लगाएंगे फाइनल तड़का कढ़ी पे, जिसके लिए 5 से 4 कलियां लहसुन के लिए मैंने उनको कट कर लिया है और तेल में डालें और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा और लहसुन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। वो मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे हरा धनिया लास्ट में, हरा धनिया। ये हमारी कढ़ी बन के तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और पकौड़े भी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इस तरीके से एक बारी आप जरूर ट्राई कीजिएगा कढ़ी, आपके पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। ना इनको पानी में भिगोया ना ही रखा, बस बनाएं और साथ के साथ कढ़ी में डालें, एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल